अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। वेलकम बैक गाइस, हमारी आज की इस नई वीडियो के अंदर जिसमें हम मोडबस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो बात करते हैं, काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो रिकॉर्ड किए हुए, तो क्योंकि बीच में रमज़ान चल रहे थे, रमज़ानों में जो है बिल्कुल रूटीन आउट थी और थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं होती थी और दिल भी नहीं करता था काम करने का। लेकिन अब ये कि इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं, ईद हो चुकी है, और अब जो है बैक टू बैक हम वीडियोस में बनाऊंगा और आपके लिए जो है, ताकि आप जो है मज़ीद से सीखते रहें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने मेरी एनालिटिक्स में मैंने देखा है कि जो मोस्ट ऑफ मेरे व्यूवर्स हैं, 90% प्लस जो व्यूवर्स हैं वो मेरे नॉट सब्सक्राइबर हैं, मतलब जो अनसब्सक्राइबर हैं, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अगर आप व्यूवर हैं, मेरे नए व्यूवर हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह से मज़े मज़े की टेक्नोलॉजी या इसी तरह के नए नए ट्यूटोरियल जो है आपको सीखने को मिलें। तो चलें चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मोडबस प्रोटोकॉल के हवाले से है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से हमने लास्ट वीडियो में हार्डवेयर लेवल के ऊपर जो है RS-485 और RS-232 की ये वीडियोस को हमने रिकॉर्ड किया, और आपको मैंने बताया कि RS-485 और 232 में क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़र्क हैं और किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक समझ लें जो हमारा है, वो मोडबस प्रोटोकॉल का है। मोडबस प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर प्रोटोकॉल होता है। RS-485 या 232 आपके हार्डवेयर लेवल का, इसका मतलब है कि आपका हार्डवेयर जो है वो RS-485 से रिलेटेड है और 232 इसी तरह से। लेकिन जो मोडबस है वो आपके सॉफ्टवेयर लेवल पे, मतलब आपकी जो भी कम्युनिकेशन है, सीरियल है या ओवर दी ईथरनेट है, हार्डवेयर लेवल कोई सा भी हो कम्युनिकेशन के, लेकिन जो एट दी एंड सॉफ्टवेयर लेवल पे जो कम्युनिकेशन मोडबस की होती है, आज हम उसकी बात करेंगे कि मोडबस का क्या मतलब है और इससे मतलब क्यों ये मोडबस जो है एक अलग से जो है ना एक टॉपिक है। तो मोडबस की कुछ मैंने दो डेफिनेशन निकाल दी थी अलग अलग साइड से, तो ये पहले थोड़ा सा देख लेना डेफिनेशन में क्या कह रहा है ये। मोडबस इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट वॉज डेवलप इन 1979 टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन ऑटोमेशन डिवाइसेस। ओरिजिनली इम्प्लीमेंटेड एज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल इंटेंडेड टू ट्रांसफर डेटा ओवर अ लेयर, ओवर अ सीरियल लेयर, मोडबस हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन ओवर सीरियल TCP/IP एंड द यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। तो ये कह रहा है कि भाई जो आपका मोडबस प्रोटोकॉल है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था कि भाई जो हम प्रोटोकॉल्स अब ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी जो ज़्यादातर हमारी वीडियो थे वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल IoT की हिसाब से, तो इंडस्ट्रियल IoT है तो इंडस्ट्रियल फिर प्रोटोकॉल्स और सारी कम्युनिकेशन की चीज़ों की बात करेंगे। तो इसी तरह से मोडबस भी हमारा इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कि 1979 में डेवलप हुआ था कम्युनिकेशन कराने के लिए, कि जो दो ऑटोमेशन डिवाइसेज हैं आपस में उनको कम्युनिकेट करा सकें। और यही बात है कि मैंने जो बताया कि सॉफ्टवेयर लेवल प्रोटोकॉल इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इम्प्लीमेंटेड एज एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल, इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन के ऊपर जो है उस लेवल पे ही काम कर रहा होता है और सीरियल लेयर के ऊपर काम करता है। इसके अलावा फिर इसको आगे बढ़ा कर उन्होंने सीरियल TCP/IP और UDP के ऊपर भी इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। एक और डेफिनेशन मेरे पास मौजूद है अच्छी सी, मुझे लगा ये भी अच्छी है, जिसे मैंने दो डेफिनेशन रखी। मोडबस इज द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड यूज अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। मोडबस जो है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे चलने वाला प्रोटोकॉल है, जो कि मास्टर और स्लेव के दरमियान एक कह लें कि रिलेशनशिप होती है। इन अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कम्युनिकेशन ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। वन डिवाइस मस्ट इनिशिएट अ रिक्वेस्ट एंड देन वेट फॉर अ रिस्पॉन्स, एंड द इनिशिएटिंग डिवाइस द मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एवरी इंटरेक्शन। टिपिकली द मास्टर इज अ ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI और सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन स्काडा सिस्टम, एंड द स्लेव इज अ सेंसर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोल PAC। द कंटेंट ऑफ दिस रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सिस एंड द नेटवर्क लेयर्स अक्रॉस विच दीज मैसेजेस आर सेंड आर डिफाइंड बाई डिफरेंट लेयर्स ऑफ द प्रोटोकॉल। तो भाई ये कह रहा है कि जो मास्टर स्लेव का जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से, एक तो पेयर में, पहली बात मोडबस का आपका जो कम्युनिकेशन, आपका जब भी मोडबस प्रोटोकॉल होगा आपका पेयर में होगा। पेयर का मतलब है कि कोई एक मास्टर होगा, दूसरा उसका स्लेव होगा,
मास्टर हमेशा जो है एक रिक्वेस्ट करेगा, और जब तक उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो उसको वेट करेगा। और जो नॉर्मली मास्टर होता है वो कोई HMI होता है। HMI आपको अगर नहीं पता तो बेसिकली इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन्स के जो की जो ऑटोमेशन हुई हुई होती है उनके सारे इनपुट और आउटपुट जो दिख रहे होते हैं या इनपुट जहाँ से जा रहे होते हैं वो सारी HMI एक तरीके से आप कह सकते हैं आसान जुबान में कि एक टच LCD होती है जिसपे वो एक अच्छा सा UI पूरा डिज़ाइन किया हुआ होता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, और उस पर आप इनपुट भी कर रहे होते हैं, बटन प्रेस भी कर रहे होते हैं, उस पर आप आउटपुट भी देख रहे होते हैं, जैसे कोई टेम्परेचर सेंसर का डेटा एग्जाम्पल के तौर पर। और स्काडा सिस्टम भी हो सकता है, और स्लेव सेंसर में आपको बताया कि भाई स्लेव में कोई भी सेंसर हो सकता है या PLC हो सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मेरी PLC है वो एक कोई फंक्शन कर रही है तो मुझे PLC का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई PLC की करंट स्टेट क्या है, PLC के साथ जो मोटर अटैच्ड है उसकी स्टेट क्या है, तो मैं PLC को क्यूरी करूंगा एज अ मास्टर, मतलब मेरा कंप्यूटर या कोई डिवाइस ऐसी जो है RTU कोई डिवाइस उसको क्यूरी करेगी और उसको रिस्पॉन्स लेके फिर उसका स्टेट उसको मिल जाएगा मोडबस के ऊपर कि भाई मशीन स्टॉप है या स्टार्ट है जो भी है। तो या PLC या PAC इस तरह के उसको जो है ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये तो एक जेनेरिक कुछ चीज़ें इनमें डिस्कस हो गई। इसकी डायग्राम मैं आपको और आसानी से समझाने के लिए बता दूं कि भाई ये जो मेरा मास्टर है ये मेरी मेरा सिस्टम हो सकता है या मेरा HMI हो सकता है या स्काडा सिस्टम हो सकता है या मेरी कोई भी RTU जो है मेरी डिवाइस हो सकती है। मतलब ये कि जो मॉडबस का प्रोटोकॉल सपोर्ट करती हो हार्डवेयर लेवल पे भी और सॉफ्टवेयर पे भी, और उससे जो है वो आप क्यूरी करा के, और स्लेव आपका कोई भी PLC हो सकता है, कोई भी VFD हो सकती है, कोई भी आपका एनालाइजर हो सकता है, कोई भी आपका सेंसर हो सकता है, इवन बहुत सारे सेंसर भी ऐसे आते हैं जिनमें मॉडबस प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन हुई भी होती है। तो आप क्या करते हैं कि भाई एज अ मास्टर आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं, उसके रिक्वेस्ट के बेस पे जो है वो रिस्पॉन्स करके आपको उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू अब डिपेंड करता है कि आपका स्लेव किस टाइप का है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई सेंसर है तो वो यकीनन वो टेम्परेचर की, अगर टेम्परेचर सेंसर है तो टेम्परेचर की वैल्यूज देगा, ह्यूमिडिटी सेंसर है तो ह्यूमिडिटी की देगा, या इसी तरह से इंडस्ट्रियल बहुत सारे सेंसर आते हैं, प्रेशर सेंसर हैं, फ्लो मीटर्स हैं, बहुत सारे सेंसर होते हैं, तो डिपेंड करता है कि भाई है क्या, या ये PLC भी इवन हो सकती है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अच्छा मॉडबस की जो अब बात करें जो फॉर्मेट होता है, जब सॉफ्टवेयर लेवल पे फॉर्मेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि मतलब क्योंकि एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन के ऊपर ही इसकी डेटा डेटा वाली सारी कहानी की किस तरह का दिखता है इसका फॉर्मेट और क्या अलग सी बात है इसमें, क्या ऐसी खासियत है ना। तो मॉडबस फॉर्मेट जो है हमारा कुछ इस तरह से होता है कि अ मॉडबस फ्रेम कंसिस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन डेटा यूनिट ADU विच इनकैप्सुलेट अ प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU। मॉडबस जो फ्रेम होता है, मतलब मॉडबस का कह लें कि एक फ्रेम कोई भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक तो ADU जो कि एप्लीकेशन डेटा यूनिट होता है, दूसरा PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। अच्छा ADU खुद इटसेल्फ क्या होता है, ADU में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, पहली चीज़ एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ द स्लेव, मतलब आपने जिसको क्यूरी कर रहे हो उसका एड्रेस क्या है, या जो खुद अगर स्लेव है तो उसका क्या एड्रेस है अपना, प्लस PDU, PDU क्या है वो भी हम देख लेते हैं, उसके अलावा होता है प्लस एरर चेक का एक कह लें कि एक सेगमेंट होता है। तो ये तीन चीज़ें मिलके आपका ADU बनता है, और PDU खुद इटसेल्फ क्या है, PDU में दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक फंक्शन कोड कि आपका जो डेटा रीड हो रहा है या रीड हुआ है वो किस फंक्शन के ऊपर रीड हुआ है ये भी हम देखते हैं फंक्शन कोड क्या होता है, और डेटा जो भी आपकी रियल टाइम वैल्यू है उस टाइम पे सेंसर की स्टेट की जो भी वैल्यू है, सेंसर या PLC वगैरह की जो भी स्टेट की वैल्यू, वो आपका डेटा हो गया। तो जब मैं एग्जाम्पल तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब मैं मास्टर की तरफ से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो रिक्वेस्ट में मेरे पास क्या क्या चीज़ें जाती हैं, एड्रेस, PDU, एरर चेक, इसमें क्या क्या होता है, स्लेव ID, मतलब मैं किस स्लेव ID को रीड करना चाह रहा हूँ उसकी स्लेव ID, फंक्शन कोड, उसका फंक्शन कोड नंबर क्या होगा, ये मैं फंक्शन कोड अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में, फिर उसका स्टार्टिंग एड्रेस कि भाई जो रीड करना है मुझे डेटा वो किस एड्रेस से रीड करना है और कितने रजिस्टर्स तक रीड करना है ये मुझे नंबर ऑफ रजिस्टर्स में बताना पड़ता है, और फिर उसके बाद CRC की वैल्यू होती है कि भाई CRC चेक जो है आपका आपका CRC चेक होता है कि जिसमें आप CRC की वैल्यू होती है कि भाई ये CRC की रिक्वेस्ट की वैल्यू है, ये भी कैलकुलेट होती है CRC की, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह एग्जाम्पल के जब हम प्रैक्टिकल इसकी करेंगे। अच्छा इसी जैसे जब इसका रिक्वेस्ट ये जाता है तो इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, रिस्पॉन्स में मेरे पास इस तरह से होती है कि स्लेव ID, फंक्शन कोड,
डेटा की लेंथ, मतलब जो डेटा रीड हुआ है वो कितनी लेंथ का डेटा है, और रजिस्टर वो वैल्यूज हैं जिसमें जो है ये सारा डेटा है सेंसर का या पीएलसी वगैरह का। अब इसकी कन्वर्जन जो है डिपेंड करता है कि जो स्लेव, जिस स्लेव को हम रीड कर रहे हैं उसमें क्या किस तरह से कन्वर्जन बताई हुई है। और इसके अलावा सीआरसी जो चेक है वो इस रिस्पॉन्स का सीआरसी चेक है कि भाई हाँ भाई जो डेटा है वो वैलिड है नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं पहले वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई स्लेव आईडी क्या है, फंक्शन कोड क्या होते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रजिस्टर का क्या मतलब है। ये चीज़ें मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से है। अच्छा, बात करते हैं स्लेव आईडी की। तो स्लेव आईडी बेसिकली आपका आपके स्लेव की वो आईडी है जो कि यूनिक होगी। अगर ये एक डेजी चेन में या एक बस के अंदर जो है, जिसको हम बस भी बोल रहे होते हैं इंडस्ट्रियल, उसमें जो है ये अगर एक ही सीरीज में कनेक्टेड है तो ये हर डिवाइस का ही एक अलग होना चाहिए स्लेव आईडी। आप चेंज भी कर सकते हैं। अक्सर जो पीएलसी और एनालाइजर्स, एनर्जी एनालाइजर, वीएफडी, इन सब में जो है ऑप्शंस होता है, आप स्लेव आईडी को चेंज कर सकते हैं। स्लेव आईडी की जो रेंज की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेके 247 तक जो है इसकी आईडी आप सेट कर सकते हैं। 1 मतलब ये कि या तो डिवाइस आईडी, वैसे बाय डिफॉल्ट अगर सिंगल जब डिवाइस आती है तो हमेशा उसका जो स्लेव आईडी होता है, जो उसका एड्रेस होता है, आईडी होती है, वो 1 ही होती है नॉर्मली। लेकिन आप इसको चेंज करके 247 तक के दरमियान का कोई भी नंबर रख सकते हैं। और अब मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ। ई स्लेव इज अ नेटवर्क इज डिजाइन एज अ यूनिक यूनिट एड्रेस फ्रॉम 1 to 247 व्हेन द मास्टर रिक्वेस्ट डेटा। द फर्स्ट बाइट इट सेंड्स इन द स्लेव एड्रेस इज द स्लेव एड्रेस। दिस वे ई स्लेव नोज आफ्टर द फर्स्ट बाइट वेदर और नॉट टू इग्नोर द मैसेज। मतलब ये कि जो मास्टर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, जो हमें सबसे पहली बाइट होती है वो होती है स्लेव आईडी का एड्रेस होता है, स्लेव एड्रेस होता है, कि उससे उसको पता, स्लेव को पता चल जाता है कि भाई अगर तो ये मेरा एड्रेस है तो फर्दर फिर मैं आगे की जो मेरी रिक्वेस्ट की बाइट्स है उनको मैं एक्सेप्ट करूँ या मैं उनको इग्नोर कर दूँ। अगर मेरा एड्रेस ही, जैसे एग्जाम्पल तौर पर मेरा ही डिवाइस है, उसका स्लेव आईडी है 2 और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्लेव आईडी 1 के लिए, तो जब वो स्लेव आईडी 2 तक वो रिक्वेस्ट जाएगी तो वो उसको इग्नोर कर देगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्लेव आईडी ही चेंज है। तो स्लेव आईडी बेसिकली हर एक सेंसर को या उसको हमारे हमारे जो है स्लेव्स को यूनिक बनाने के लिए होता है। इसके अलावा फंक्शन कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। फंक्शन कोड्स की क्या डेफिनेशन है मैं आपको बता देता हूँ। द सेकेंड बाइट सेंड बाय द मास्टर इज द फंक्शन कोड। दिस नंबर टेल्स द स्लेव विच टेबल टू एक्सेस एंड वेदर टू रीड फ्रॉम और राइट टू द टेबल। भाई ये कह रहा है कि जो फंक्शन कोड है वो आपकी सेकेंड बाइट होती है, जो कि मास्टर जब रिक्वेस्ट करता है तो उसमें जो सेकेंड बाइट होती है वो आपका फंक्शन कोड होता है। उसमें ये पता चलता है कि जो डेटा रीड करना है, एक तो ये है कि वो किस टेबल से रीड करना है, और या तो वो रीड करना है या तो वो राइट करना है। क्योंकि अब इसमें भी ना कैटेगरीज बनी हुई है डेटा की, कि भाई जो है आपको डेटा पहली चीज़ तो रीड करना है या राइट करना है। अच्छा, अब राइट में भी क्या है कि राइट में भी आप बताते हो कि भाई राइट में मुझे सिंगल राइट करना है या मुझे मल्टीपल राइट करना है। अब उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं किस तरह से कि अब जैसे अगर फंक्शन कोड 01 है, जिसको हेक्स में 01 ही लिखते हैं, तो ये बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो इसका एक्शन होगा वो रीड होगा, और रीड कहाँ से होगा, किस टेबल से रीड होगा, डिस्क्रीट आउटपुट क्वाइल रीड करेगा ये। इसी तरह से जब मेरा फंक्शन कोड 05, जो कि हेक्स में 05 ही लिखते हैं, जब इसका मतलब होगा तो एक्शन क्या होगा कि भाई मुझे एक सिंगल राइट करना है, मतलब एक रजिस्टर की वैल्यू को मुझे राइट करना है, और किस पे राइट करना है, डिस्क्रीट आउटपुट क्वाइल के ऊपर मुझे राइट करना है। इसी तरह से जब मेरी वैल्यू 15 होगी, फंक्शन कोड 15 जो कि मैं हेक्स में लिखूंगा तो उसको 0F करके लिखूंगा। इसका मतलब ये कि मुझे फंक्शन जो है वो मेरा मल्टीपल राइट करना, मतलब मुझे मल्टीपल रजिस्टर्स के ऊपर राइट करना है डेटा को, और कहाँ राइट करना है, किस टेबल के अंदर, वो डिस्क्रीट आउटपुट क्वाइल्स के अंदर मुझे राइट करना है। इसी तरह से फंक्शन कोड 02 है, जो कि हेक्स में 02 ही होगा, उसका मतलब है कि रीड करना है, और रीड कहाँ से करना है, डिस्क्रीट इनपुट कॉन्टेक्स्ट से रीड करना है। 04 है तो इसका मतलब भी रीड है, और एनालॉग इनपुट रजिस्टर से रीड करना है मुझे। 03 है तो इसका मतलब भी रीड है, इसका मतलब है कि एनालॉग आउटपुट होल्डिंग रजिस्टर से मुझे रीड करना है। होल्डिंग रजिस्टर कहने के
जो रजिस्टर्स हैं वो कैटेगराइज हैं इन टेबल्स के, उसमें क्वाइल्स में, आउटपुट क्वाइल्स में, इनपुट कॉन्टेक्ट्स में, इनपुट रजिस्टर्स में, होल्डिंग रजिस्टर्स में, इन चार कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। दो में आप राइट कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, दो में सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। इसी तरह से 06 है तो इसका मतलब है कि मुझे सिंगल राइट करना है, कहाँ, होल्डिंग रजिस्टर के टेबल में मुझे राइट करना है। और 16 है तो इसका मतलब है कि मुझे मल्टीपल राइट्स करने हैं, तो हो सकता है कि मैं मुझे मल्टीपल राइट्स करने पड़े कुछ जगहों पे, हो सकता है मुझे सिंगल राइट करने पड़े, और हो सकता है मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ। जो मैंने मेजर काम किया है, ज़्यादातर जो काम किया है सेंसर में, क्योंकि अब सेंसर है एग्जाम्पल तौर पर टेम्परेचर सेंसर की मैं बात करता हूँ सबसे आसान, तो टेम्परेचर सेंसर में आपको कुछ राइट नहीं करना, आपने जस्ट रीड करना है। और रीड करने में नॉर्मली जो कॉमन होता है ना, वो या तो इनपुट रजिस्टर से आप रीड कर रहे होते हो या आउटपुट होल्डिंग रजिस्टर से रीड कर रहे होते हो, ये दो ही होते हैं नॉर्मली आपको, मोस्ट कॉमन यही दो मिलते हैं। जब भी आपको फंक्शन कोड आपको मोडबस का किसी सेंसर में सपोर्ट मिलेगी, तो ये दोनों में से नॉर्मली कोई एक लाजमी होगा, या तो अक्सर होते हैं बोलते हैं भाई आप दोनों में से कोई भी कर लो, दोनों का रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैंने VFDs ऐसी इंटीग्रेट की हैं जिनमें आप इनपुट रजिस्टर से रीड करना चाहते हो तो इनपुट रजिस्टर का फंक्शन कोड भेज दो तब भी रीड हो जाएगा, होल्डिंग रजिस्टर से भेजना चाहते हो होल्डिंग रजिस्टर में भी रीड कर लेगा। जो इंटरनली जो वो डिवाइस है, वो स्लेव है, वो इंटरनली क्या है, वो दोनों टेबल में राइट कर रही होती है, इनपुट रजिस्टर में भी, होल्डिंग रजिस्टर्स में भी। तो ये हमारे फंक्शन कोड होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं इनको समझना कि भाई आपका जो डेटा है कि आपको रीड किस फंक्शन से करना है। उसके अलावा जो हमारे CRC है, CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इट इज़ 2 bytes एरे टू द एंड ऑफ एवरी मॉडबस मैसेज ऑफ एरर डिटेक्शन, एवरी बाइट इन द मैसेज यूज टू कैलकुलेट दी CRC, द रिसीविंग डिवाइस ऑल्सो कैलकुलेट दी CRC एंड कंपेयर इट टू दी CRC फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइस, इफ इवन वन बिट इन द मैसेज इज रिसीव इनकरेक्टली दी CRC विल बी डिफरेंट एंड एरर विल रिजल्ट। ये कह रहा है कि भाई CRC जो है वो आपका उसकी स्टैंड फॉर जो है वो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, ये 2 bytes होते हैं जो कि आपके हमेशा मैसेज के एंड में एडअप हुए हुए होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर जो रिक्वेस्ट सेंड हुई है और जो, क्योंकि जो रिक्वेस्ट सेंड हो रही होती है तो वो भी CRC को कैलकुलेट करता है, और जब रिस्पॉन्स हो रहा होता है तो रिस्पॉन्स में भी जो है आपका आपका रिस्पॉन्स में भी जो है CRC कैलकुलेट होके रिस्पॉन्स में रिटर्न होता है, और जो मास्टर जो है दोनों को कंपेयर करके चेक कर लेता है कि भाई आइदर जो है मेरा CRC कंपेयर हो रहा है तो मेरा मतलब ये कि डेटा सही रीड हुआ, अगर उनमें से कोई एक बाइट भी आगे पीछे होती है रीड, जैसे कि तो डेटा में कोई गार्बेज आ गया तो उसमें ज़ाहिर है बाइट्स आगे पीछे हो जाएंगे और आपकी पूरी CRC की वैल्यू आउट हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, फिर ये आपको बता देता है कि रिस्पॉन्स में कि भाई आपका जो डेटा है वो इनकरेक्ट रीड हुआ है, तो इससे आपको CRC से पता चल जाता है। बाकी एड्रेसेस का जो जिक्र है, एड्रेसेस आपके जो है नंबर ऑफ स्टार्टिंग एड्रेसेस आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, और ये डिपेंड करता है रेंजेस आपकी डिवाइस के ऊपर या आपके स्लेव के ऊपर। कुछ डिवाइसेस में 32,000 तक होती हैं, कुछ में 26,000, कुछ में 2600, कुछ इस तरह की रेंजेस होती हैं। तो 0, 1, 2, 3 समझ लें ये रजिस्टर्स के एड्रेस हैं। अब कुछ जगहों पे क्या होता है कि मतलब कुछ डिवाइसेस में ऐसा होता है कि भाई जो डेटा है वो आपके 2 registers में राइट होता है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रजिस्टर 2 भेजना पड़ेगा कि मतलब मुझे 2 register तक का डेटा भेजना है, रीड करना है। अक्सर सिंपल होता है टेम्परेचर सेंसर वगैरह तो उसमें सिंगल रजिस्टर आप बता दें कि भाई नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो मुझे 1 भेजना है, तो मतलब ये कि 006B है तो 006B से ही रीड करना है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स 3 का मतलब क्या है, 006B, 006C, 006D, इस तरह से जो है सीक्वेंस, मतलब 3 register को कंटिन्यूस, मतलब इस स्टार्टिंग रजिस्टर से लेके 2 register और आगे तक रीड करो और फिर उनका डेटा इस तरह से ला के दे दो, और फिर इसी कन्वर्जन जो इन्होंने दी हुई होती है आपके स्लेव के उसमें फिर आप जो है उसको करके देख लेते हो। तो ये इस तरह से जो है हमारा स्टार्टिंग एड्रेस और नंबर ऑफ, और इसी तरह से जब आपका रिस्पॉन्स आता तो आपको रिस्पॉन्स पता चल जाता है जो मेरा डेटा है वो कितनी लेंथ का है, तो आपको ये पता चल जाता है, और फिर उसमें वैल्यू आ जाती है तो आप उसको कन्वर्जन कर लेते हो। अच्छा, मॉडबस का जो जो फ़ायदा है वो कब है, जब आप इस तरह की बस बनाते हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मेरे एनर्जी एनालाइजर हैं और वो एक रूम में 10 लगे हुए हैं, तो मैं अलग अलग डिवाइस को लगाने से बेहतर है कि उनकी मैं एक डेजी चेन बना लूँ, या इस तरह की मॉडबस, इस तरह की RS-485 की बस बना लूँ। जैसे ये मेरा एक एक एनालाइजर है, 2, 3 इस तरह के मेरे 10 एनालाइजर होगा इस सीक्वेंस में, इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, और एक मेरा मास्टर होगा जो कि इन तीनों में से कॉमन होगा, सीरियली कनेक्शन होगा इस तरह से। अब क्या होगा कि जो मेरे 10 एनालाइजर हैं, 10 के 10 एनालाइजर का स्लेव ID जो है वो डिफरेंट होगी, इसकी 1 होगी स्लेव ID, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी। इसी तरह से जब मेरा मास्टर क्यूरी करेगा स्लेव ID 1 के लिए डेटा रीड करना, तो वो सिर्फ स्लेव ID 1 को ही रिक्वेस्ट जाएगी,
और बाकी जितने भी नो स्लेब आईडीज है आगे वो उसको इग्नोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि उनका एड्रेस मैच नहीं करेगा स्लेब आईडी की जो रिक्वेस्ट आई भी होगी। इसी तरह से अब और रिस्पॉन्स भी सिर्फ डिवाइस वन ही करेगी, बाकी डिवाइसेस या बाकी स्लेब उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो डेटा इसको पता चल जाएगा हाँ भाई मैंने स्लेब वन का किया तो स्लेब वन का ही मुझे रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है मोडबस का कि आप मोडबस को जो है इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। डेजी चेन के डेजी चेन बेसिकली कहलाती है, जिसको हम RF45 मोडबस इसको बस बोल रहे हैं। ये इसमें भी जो है लिमिट होती है कि आप एक से लेके जो है 32 जो है सीक्वेंस में लगा सकते हैं डिवाइसेस, 32 डिवाइसेस तक आप एक साथ रीड कर सकते हैं। मतलब एक डिवाइस हो या एक मास्टर हो तो उससे मैं 32 जो है स्लेव को एट अ टाइम, अगर सेम टाइप के हैं तो एट अ टाइम 32 स्लेव को मैं रीड कर सकता हूँ इजीली, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब ये नहीं कि मुझे 32 है तो 32 के 32 अलग अलग। अब ये मास्टर जो है मेरे पास कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई मैंने बताया कि HMI सिस्टम स्काडा सिस्टम हो सकता है, या कोई मेरी ऐसी डिवाइस जिसमें मेरे पास RS-485 की हार्डवेयर की इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको लास्ट मैंने वीडियोस में दिखाई है RS-485 वाला, जब मैंने आपको वीडियो पढ़ाया तो उसमें दिखाया कि भाई मेरी जो डिवाइस है उसमें RS-485 का इंटरफेस मौजूद है और सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर जो है मैं मॉडबस की इंप्लीमेंटेशन कर दूँ तो मेरा जो है काम बन जाएगा पूरा इस तरह का। तो मास्टर जो है आपकी कोई भी डिवाइस होती है। अच्छा, इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है प्रैक्टिकली ये वर्क कर रहा होता है मॉडबस, किस तरह से रिक्वेस्ट सेंड होता है, किस वजह से रिस्पॉन्स आ रहा होता है, फिर उस रिस्पॉन्स में से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करके कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपने वैल्यूएबल डेटा के अंदर। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मैंने सोचा कि पहले समझा दूँ मॉडबस होता क्या है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अभी क्या चीज़ है, फिर इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एक रियल डिवाइस के साथ दिखा दूंगा कि भाई मेरा एक सेंसर होगा तो वो किस तरह से मॉडबस के ऊपर काम कर रहा होता, फिर मैं उसमें आपको डिवाइस आईडी स्लेव आईडी चेंज करके भी दिखाऊंगा कि जब स्लेव आईडी में चेंज करता हूँ तो क्या मसला आता है, रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि वो स्लेव आईडी उसको मैं वो जो मेरी स्लेव कनेक्ट होगी वो उस मैसेज को पूरा इग्नोर कर देगी। तो होपफुली जो है आपको मॉडबस प्रोटोकॉल की डिटेल समझ आ गई हो, उसकी पूरी थ्योरी समझ आ गई हो, फंक्शन कोड वगैरह और किस तरह से वो काम कर रहा होता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला सिंपल सीन होता है कि आपने रिक्वेस्ट करनी होती है और रिस्पॉन्स में आपको मिल रहा होता है कि हाँ भाई अगर रिक्वेस्ट सही तो आपको रिस्पॉन्स सही मिलेगा, अदरवाइज रिक्वेस्ट सही नहीं मिलेगी। हम करेंगे वही RS-485 के साथ जो है इसकी इंटीग्रेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियोस देखें ताकि आपको और नई नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ जो है हमें हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी फॉलो करें, फेसबुक पेज के ऊपर हमारे फॉलो करें, लाइक करें, लिंक्डइन के पेज को हमारे जो है फॉलो करें, इंस्टाग्राम के पेज को हमारे फॉलो करें, लाइक करें ताकि हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।